तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली जब हम लोगों ने चैप्टर इंटीग्रेशन जैसे पढ़ा था, तो इंटीग्रेशन में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होते थे। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूले लगभग एक तरीके से होते ना कि इंटीग्रेशन में कुछ पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूले हैं जिनको लेके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ भी कुछ फॉर्मूले बनाए गए जिन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले यहाँ पर देखें सबसे पहले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो एक बात ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन अगर कभी हम कहें, किसी क्वेश्चन आपसे बोलें कि किसी फंक्शन एफ टी का आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, ठीक है, एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो एक्चुअली इसके लिए एक फॉर्मूला होता था कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और मान ली के पी टी, मतलब फंक्शन ऑफ पी कॉमा टी दिया होगा, और यहाँ पर होता है एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जब किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो। ठीक है, अच्छा अब बात ये के पी टी यहाँ पर क्या है। के पी टी देखो ध्यान देना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए के पी टी जो होता है इसका वैल्यू कितना होगा ध्यान देना। जो के पी टी यहाँ लिखा है फंक्शन ऑफ टी, ये वैल्यू होती है ई की पावर माइनस पी टी वेन टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और जीरो होता है वेन टी इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ध्यान देना ये वैल्यू हमने कब से बताई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो के पी टी हमारा चेंज जाएगा ई की पावर माइनस पी टी में जब टी ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। तो एक्चुअली देखो जो लिमिट हमारे पास यहाँ दी गई है, एक्चुअली लिमिट यहाँ दी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको भी अगर ज़ीरो पर ब्रेक कर लें। और अब देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में टी ग्रेटर देन जीरो यानी कि जीरो से बड़ी वैल्यू जब होगी तो ये वैल्यू हो गई ई की पावर माइनस पी टी, और टी लेस देन जीरो पर वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर जीरो हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो देखो लाप्लास को कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर एल एफ टी, क्लियर, एल एफ टी। तो जिस संबंध हमने क्या बताया कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिखने का कोई मतलब है ना, उसकी वैल्यू जीरो दी है, फंक्शन की वैल्यू जीरो रख देंगे। लेकिन ये वैल्यू हो गई जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और ये बन गया एफ टी डी टी। बोलो ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बात समझ में आ गई यहाँ से कि यदि हमें क्वेश्चन में एल एफ टी लिखना है तो उसकी वैल्यू होती है ई की पावर माइनस पी टी एफ टी टी। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस फॉर्मूले को लेके हमें सभी कुछ सॉल्व करना है। अब देखो इसमें हमने कहा ना जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव आप कैसे करोगे। देखो जो भी फॉर्मूले यहाँ दिए गए होते हैं, इसमें खास बात ये होती है फॉर्मूलों में कि फॉर्मूले में जैसे हमने कह दिया लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू बताइए, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन की वैल्यू बताइए, तो हमें किस तरह से करना है। तो एक बात ध्यान देना, हम सब ने एक बीटा गामा फंक्शन जब पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा छोटा सा एक फॉर्मूला था, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला था, अगर आप सबको याद हो हमने पढ़ा था कि गामा एन की वैल्यू होती थी जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, यही पढ़ा था सब लोगों ने। और एक फॉर्मूला इसमें और पढ़ा था कि गामा एन अपॉन सी की पावर एन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर था माइनस सी वाई, वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। बोलो ठीक है, ये जो दो फॉर्मूले हमने तुमको बताए यहाँ पर, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे जब जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने पास है कि लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू कितनी होगी, लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर एफ टी के स्थान पर वन रखो तो यहाँ भी वन रख दो आप, जब वन रखा हमने इसको तो लिख दिया जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, यहाँ लिख दिया वन डी टी। ठीक है भाई, एफ टी की जगह वन रखा तो वन यहाँ पे भी रख दिया। अच्छा देखो इसकी वैल्यू अगर सोचे कितनी आएगी, ये तो सिंपल सा एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो इसको आप। कैसे बना सकते हो, वाई की पावर एन माइनस वन यहाँ पर था, ध्यान देना ई की पावर माइनस पी टी, तो ई की पावर माइनस सी वाई लिखा ही है, इसको चाहो आप टी की पावर वन माइनस वन कर लो, है ना, इसको चाहो टी की पावर वन माइनस वन कर लो, इस तरह लिख लो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी वन माइनस वन डी टी, वो लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो जरा इसमें अगर ये फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करें तो एन की वैल्यू एक्चुअली यहाँ वन हो गई, गामा वन अपॉन जो यहाँ पर लिखा है सी, वहाँ कितना लिखा है पी, पी की पावर, ठीक है, गामा एन अपॉन सी की पावर एन, एन की वैल्यू कितनी थी वन। बोलो ठीक है भाई, एन यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो ना, इसमें एन की वैल्यू कितनी लिखी है वन, और यहाँ कितना लिखा है, ठीक है ना, तो ये आ गया गामा वन, गामा वन अपॉन, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम एल वन की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा वन अपॉन पी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गया भाई, तो एल वन कितना आ गया हमारे पास, अगर हम कहेंगे आपसे भाई एल वन की वैल्यू बताइए तो आप लिखोगे वन अपॉन पी, ध्यान ना यहाँ पर पी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला निकाल लिया कि L1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन पी, दैट इज़ पी ग्रेटर देन जीरो, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो इतनी बात समझ में आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते कैसे हैं, और हम इसके कुछ फॉर्मूले और भी डिस्कस करते हैं, आपको क्या क्या फॉर्मूले और हो सकते हैं वो देखें। ठीक है, तो जरा इसको आप देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे।
चलो हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया कि हमको मालूम चल गया कि L1, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। पहला हो गया L1 की वैल्यू आ गई 1/p, ठीक, पहला फॉर्मूला बन गया जहाँ p हमेशा जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। इसे अब दूसरा फॉर्मूला देखें कैसे बनेगा। लिखा लाप्लास ऑफ e की पावर at, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। लिखा फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt ft dt, ft का मान क्या हो गया e की पावर at, और लिख लिया dt। भाई जो फॉर्मूला अभी हमने बताया कि LFT का फॉर्मूला होता है एफ टी जी पे की पर रख दिया, थोड़ा स्कोर सॉल्व करें। देखो ये लिखा 0 से इन्फिनिटी ई की पर, देखो -pt -at, यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा, -t तो कॉमन आएगा ना, ये आ जाएगा p-a(t), उसको t की पार 1 - 1 dt लिख लो। अब देखो फॉर्मूला फिर से वही बना, क्या फॉर्मूला था, गामा एन गामा वन अपॉन सी क्या था, p-a की पावर आ गया 1, तो ये इतना आ गया 1/p-a। ध्यान दो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बना लिया कि लाप्लास ऑफ अगर e की पावर at निकालोगे तो ये बनेगा 1/p-a। बोलो ठीक है, इतना ही तो बनेगा p-a, और हमेशा देखना यहाँ p हमेशा बड़ा ही होगा a से, p ग्रेटर देन कितना बनेगा a बन जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला ये बन गया कि L ऑफ e की पावर at इक्वल टू 1/p-a। जैसे हमने इसको प्रूव किया, एक थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था लाप्लास ऑफ t की पावर n। लिखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt, लिख दिया t की पावर n dt, अब ft के स्थान पर t की पावर n रख लिया, क्लियर। अच्छा अब एक बात समझो, यहाँ t की पावर n, e की पावर -pt t की पावर n लिखा था, हमको पता फॉर्मूले में होता था, फॉर्मूला क्या था, गामा एन बराबर ई की पावर -cy वाई की पावर n-1, ये होता है ना, इसमें n-1 बना लो पहले, क्या बनाओगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -pt, इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो। बोलो ठीक है, एक जोड़ दिया घटा दिया, अब बताओ क्या फॉर्मूला बना, इसका बना फॉर्मूला ना, फॉर्मूला क्या बन गया, गामा n+1/p की पावर n+1। बोलो ठीक है, यही तो बना n+1, और p की पावर कितना बना n+1 c की पावर n होता ही है। इनकी तीसरा फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, थर्ड नंबर फॉर्मूला कि लाप्लास अगर t की पावर n कहीं लिखा होगा तो इसको हम गामा n+1/p की पावर, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन, ठीक, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1, यहाँ भी p ग्रेटर देन जीरो ही होगा। बोलो ठीक है, समझ में आ गई बात कि फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं इसका फोर्थ फॉर्मूला जो लिखा है। देखो फोर्थ फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे L ऑफ cos at, तो लिखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt, और ये बन गया cos at dt। अच्छा देखो ये हमने तीनों फॉर्मूला प्रूव करता दिया, देखो cos at वाला फॉर्मूला प्रूव कैसे करेंगे। तो आप सबने एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी क्वेश्चन में cos at लिखा हो तो उसको हम e में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt, इसको लिखो e की पावर आएगा i at प्लस e की पावर -i at अपॉन 2 dt। बोलो भाई ठीक है, नहीं तो बनेगा भाई cos, अब आप मतलब cos x का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, e की पावर ix प्लस e की पावर -ix अपॉन 2, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। अच्छा देखो इसको सॉल्व कैसे करें, अब देखो ये तुम्हारा दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा, अगर करो आप इसको भाई 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, क्लियर। तो इसको हम थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। इसका जरा हम देखें अगला, यहाँ से देख लेते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, देखें कितना बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको हम लोग, 1/2 को हमने कर दिया यहाँ से बाहर, 0 से इन्फिनिटी लिख लिया। अब देखो इसको अगर एक साथ करो आप तो -t यहाँ से कॉमन कर लो, e की पावर -t, तो ये आ गया p-ia, ठीक है, प्लस e की पावर -t, ये बनेगा p+ia ai, ठीक है, आई ए लिख लो चाहे आई लिख लो, एक ही बात p+ia लिख लो, चलो। और यहाँ रख दिया हमने इसको dt। अब जरा गौर करो इस बात पे कि जो पार्ट यहाँ लिखा e की पावर -cy है ना, तो उसको आप ऐसे कर लेना कि 1/2 आप लिखा रहे हैं, दो लिखो 0 से अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, -t p-ia t की पावर 1 - 1 dt प्लस 0 से, देखो 1/2 पूरे में बाहर है, ध्यान देना भैया, ठीक है, e की पावर -t, ये आ गया p+ia t की पावर 1 - 1 dt, इतना लिख लिया। अब गौर करो इस बात पे, फॉर्मूला बना क्या अपना, 1/2 तो बाहर आई, क्या बना, गामा 1 अपॉन
पी माइनस आई ए प्लस ये क्या बना, गामा वन अपॉन पी प्लस आई ए। बोलो ठीक है, ये तो बन रहा है ना फॉर्मूला। अब देखो ये सोल्यूशन देखो ध्यान से, वन बाई टू बाहर रहा, इसका एलसीएम अगर लोगे तो आएगा ना पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि p प्लस ए आई है, पी माइनस मल्टीप्लाई कर लो आप, ऊपर आया p प्लस आई है, इधर आ गया p माइनस आई है, कितना बचा ये बच गया 2p, बचा ना 2p बच गया, और ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि क्लियर हुआ कि l cos at अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो उसका हम चौथा फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये बन गया l cos at बराबर आ गया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम तुम्हें सारे फॉर्मूले में नहीं प्रूव करके बता रहे हैं कि बात समझना, अगर यहाँ पर साइन 80 लिखा होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 2i आएगा। बोलो साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, इकी पार आई 80 इकी पार माइनस आई 80, मतलब माइनस यहाँ लिखोगे ना, इकी पार आई 80 माइनस इकी पार माइनस आई 80 और अपॉन कितना होगा, एक्चुअली अगर साइन एक्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं ना इकी पावर आई एक्स इकी पार माइनस आई एक्स अपॉन 2i, ये साइन एक्स का फॉर्मूला है। अब अगर इसको हम यहाँ पर रख दें तो आप खुद सोचो e की पार आई 80 माइनस e की पार माइनस आई 80 अपॉन 2i बनेगा, तो 1 बाई 2i बाहर आएगा ना, और यहाँ बीच में क्या आएगा माइनस आ जाएगा, जब माइनस आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2ia बचेगा, तो 2i तो कट जाएगा, कितना बचेगा फॉर्मूला a अपॉन बच जाएगा, बचेगा ना। यानी कुल मिला करके हम सारे फॉर्मूले नहीं प्रूव करना, बिकॉज सेम इसी प्रोसेस से सारे फॉर्मूले अब आप लिख सकते हो इसके। तो पाँचवा फॉर्मूला अब क्या बना, पाँचवा फॉर्मूला इसका बन गया एल साइन 80, एल साइन 80 अगर लिखोगे तो ये आएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये पांचवा फॉर्मूला बना। अब आते हैं इसका जो हमारे पास छठवां फॉर्मूला था, छठवां फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस के काफ़ी सारे टर्म दिए थे, तो हाइपरबोलिक में हम क्या करना, थोड़ा सा आपको उसको हम डिस्कस कर देते हैं क्या था। देखो छठवां फॉर्मूला था हाइपरबोलिक में, ये था एल कॉस हाइपरबोलिक 80, तो ये फॉर्मूला बनेगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सातवां फॉर्मूला बनेगा एल साइन हाइपरबोलिक 80 ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा हाइपरबोलिक आपको जरा सा बता दें क्या था, जैसे मान लीजिए कहीं एल कॉस हाइपरबोलिक 80 लिखा है, ठीक है, इसको लिख लेंगे जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और कॉस हाइपरबोलिक का मान रख दो, e की पावर लिखोगे, देखो उसमें होता है फॉर्मूला a में, इसमें होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 और इंटू हो जाएगा dt। तो cos x का फॉर्मूला e की पावर आई एक्स प्लस e की पावर माइनस x बाई 2, तो साइन हाइपरबोलिक या cos हाइपरबोलिक में i नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो क्लियर है कि 1 बाई 2 पूरे से बाहर करके 0 से इन्फिनिटी लिखा, फिर यहाँ माइनस t कॉमन किया तो p माइनस है, उसको भी t की पावर 1 माइनस 1 dt लिख लो, प्लस कर दो 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर लिख दो माइनस टी, फिर कॉमन करो तो p प्लस ए बन गया, t की पावर 1 माइनस 1 dt बन गया। बोलो ठीक है, इतना ही तो बना। अब क्या बनेगा ध्यान देना, 1 बाई 2 ये क्या बना, गामा 1 p माइनस ए की पावर 1 प्लस यहाँ बने गामा 1 और p प्लस ए की पावर 1। बोलो इतना ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो सोल्यूशन यहाँ बना कितना, 1 बाई 2 बाहर हो गया, इसका एलसीएम ले लो आप, p माइनस ए पी प्लस ए एलसीएम हो गया, बल्कि पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सीधे ही लिख लो ना, इसको आप लिखो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लो, क्लियर, इतना लिख लिया, पी प्लस ए ऊपर आएगा प्लस पी माइनस इधर आएगा कट जाएगा, कितना बचेगा ये 2p, 2 से 2 कट गया, कितना आया पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब ध्यान देना ये सात फॉर्मूले केवल यहाँ पर हैं जो हमको यूज करने हैं, एल वन एल ई की पार ए टी एल टी की पार एन, ठीक है, इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं जो उनको यूज़ करना है, क्वेश्चन डायरेक्टली आप करोगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है इसमें, देखो हम कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताते हैं कैसे करना है, तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना इस तरह से किए गए सारे। ठीक, चलो अब आगे देखें कैसे करना है, इनको ध्यान दो। कुछ फॉर्मूले हम मतलब कुछ फॉर्मूले यूज़ करके बता रहे हैं कि आपको कैसे फॉर्मूले यूज़ करने हैं। आप जैसे मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल नंबर 1 ये लिखा है, लिखा था एल, यहाँ लिखा है साइन टी और इनटू लिख दिया मैंने कॉस टी, ठीक है, साइन टी कॉस टी लिख दिया। अब तुम्हें ये पता है क्वेश्चन में कि साइन टी कॉस टी तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं हुआ है ना, तो क्या करेंगे क्वेश्चन में हम, यहाँ पर देखो अगर ये साइन ए टी का फॉर्म बन जाए तो सोल्यूशन बन जाएगा ना। अब ध्यान दो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको, इसको हमने तुरंत क्या किया अगले स्टेप में लिखा 1 बाई 2 बाहर किया, लाप्लास ऑफ लिख दिया 2 साइन टी इंटू लिख दिया कॉस टी, तो फॉर्मूला बन गया
वन बाई टू लाप्लास ऑफ साइन टू टी, बोलो ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन टू टी। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि साइन ए टी का फॉर्मूला ये था ना, तो साइन ए टी तो क्या आएगा, इससे देखो टू अपॉन इतना आएगा ना, वन बाई टू ये कितना आ गया, टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यानी फोर हो गया, ये कट गया इससे, कितना आया वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर आ गया। फॉर्मूला था ए स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यानी कि ए का मतलब कितना हुआ, टू हुआ, साइन एटी टू अपॉन इतना होगा, टू से टू कट गया, समझ गया ना। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले, जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, जैसे मान लिया एक प्रॉब्लम हमने लिख लिया, एग्जाम्पल नंबर टू लिखो, लिखा था लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टू टी लिख लिया। अब दिक्कत फिर आ गई, देखो हमने कॉस टू टी का तो पढ़ा था, हाइपरबोलिक टू टी का मान, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर नहीं पढ़ा, फिर वही करो, वन बाई टू बाहर, वन बाई टू बाहर लिख लो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टू टी। अच्छा देखो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस टू एक्स का, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो हाइपरबोलिक में आपको पता है ये कॉस में चेंज होता नहीं है, अगर टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टू टी लिखा हो तो फॉर्मूला बन जाएगा देखो इसका, कॉस हाइपरबोलिक फोर टी और बन जाएगा प्लस वन, तो ये वैल्यू बन जाएगी टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टू टी की वैल्यू, ठीक है, बस एंगल टू टू टाइम्स कर लेंगे। तो ये तुम्हारे पास जो बना फॉर्मूला, ध्यान देना ये फॉर्मूला हमने तुमको बताया कि कॉस में कभी चेंज कुछ नहीं होता, जो कॉस का फॉर्मूला वही कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनेगा, तो उसको लिख लिया हमने, वन बाई टू बाहर किया, लाप्लास ऑफ लिख लिया यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक फोर टी और लिख दिया प्लस वन। अब जरा ध्यान देना कितना ईजिली सोल्यूशन होगा इसका, आप करो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फोर टी कितना बनेगा, लाप्लास ऑफ कॉस फोर टी, फोर टी मतलब एक स्थान पर कितना हो गया फोर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, वन बाई टू बाहर रहा, क्या बना फॉर्मूला, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, बोलो ठीक है, यानी 16 लिख लो सीधे, 16 लिख लो, पी स्क्वायर माइनस 16 और प्लस लाप्लास ऑफ वन बोलो कितना होगा, लाप्लास ऑफ वन कितना होगा, एल वन, देखो ये लिखा है कितना हुआ, वन अपॉन पी, बस ये सोल्यूशन बन गया, वन बाई टू बाहर रहा, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 16 प्लस हो गया लाप्लास ऑफ वन, मतलब वन अपॉन पी बन गया, क्लियर, ये समझ आ गई बात सब लोगों को। तो देखो लाप्लास में हमने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, ऐसा बस सिंपल सिंपल प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे बिल्कुल। अच्छा इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सवाल है वो पेपर में आ भी सकता है, पेपर में देखो आपको सभी को, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कहेंगे आपसे थर्ड नंबर प्रॉब्लम है, लिख लो कि लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट टी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी पेपर में और पूछा भी जा सकता है आपसे। तो देखो इसके लिए करना क्या, सबसे पहले यहाँ पर आप साइन एक्स की जो सीरीज़ होती है वो लिखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव एन अप टू सो ऑन, ठीक है, तो इसको लिख लो सोल्यूशन, जरा करो सब लोग कितना आएगा। देखो लाप्लास ऑफ यहाँ लिख लो, लाप्लास ऑफ जब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करोगे इसमें तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा अंडर रूट टी माइनस वन बाई फैक्टोरियल थ्री अंडर रूट टी का होल क्यूब, लिख लो होल क्यूब लिख लिया, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव अंडर रूट टी की पार कितना आ गया फाइव एन अप टू सो ऑन लिख लिया, ठीक है। अब देखो लाप्लास तो हमने इस पूरे टर्म का लिख ही लिया यहाँ पर, ठीक है लिख लिया, लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ कितना होगा बोलो, लाप्लास ऑफ, देखो लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ, टी की पावर कितना बनेगा, देखो यह सब समझा टी की पावर एन, अभी तुमको मैंने एक चीज़ बताई है कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का वैल्यू कितना होगा, गामा एन प्लस वन टी की पावर एन प्लस वन, बोलो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, ठीक है, तो इसमें देखो गामा देखो हाफ, ये टी की पावर हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ सॉल्व करो, ये आएगा गामा थ्री बाई टू टी की पावर आएगा थ्री बाई टू माइनस वन बाई फैक्टोरियल थ्री, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बनेगा बोलो, यहाँ कितना बनेगा थ्री बाई टू, थ्री बाई टू बन जाएगा फाइव बाई टू, गामा फाइव बाई टू पी की पावर आएगा फाइव बाई टू प्लस वन बाई फैक्टोरियल फाइव गामा। अब देखो यहाँ लिखा है फाइव बाई टू, कितना आ जाएगा सेवन बाई टू अपॉन आएगा पी की पावर सेवन बाई टू अप टू सो, बोलो ठीक है, नहीं तो बना ना। अब देखो एक बात समझना इस क्वेश्चन में, तुम सब ने पढ़ा है गामा में कहीं अगर वैल्यू लिखी है गामा एन या गामा एन प्लस वन लिख लो, गामा एन प्लस वन तो क्या होता है एन गामा एन, पढ़ा है सबने, अगर लिखा है गामा एन प्लस वन इसको क्या लिखते हैं एन गामा एन लिखते हैं, तो जरा यहाँ देखो कितना आएगा, यहाँ आएगा वन बाई टू गामा हाफ आ जाएगा पी की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा, वन बाई फैक्टोरियल थ्री मतलब सिक्स हो गया, देखो यहाँ वन बाई टू, सॉरी ऐसे कर लो,
एक काम करो, 3/2 1/2 रूट पाई कर लो, रूट पाई मतलब गामा हाफ लिख सकते हो, चलो गामा हाफ ही लिख लेते हैं पहले, अपॉन लिखा पी की पाई लिख दिया 5/2, हमने कहा था ना एक कम करके लिखो, एक कम लिखा 3/2 आ गया तो गामा 3/2 आ जाएगा, गामा 3/2 वन फिर से सॉल्व करो तो 1/2 गामा हाफ आ जाएगा, ऐसे एक टर्म हो लिख लेते हैं 1/5, फैक्टोरियल 5 करो तो 120 आ जाएगा, आएगा ना फैक्टोरियल 5 को लिखो 5/4 3/2 1, 5/4 3/2 1 कितना आ जाएगा, इसको लिखो तो ये आ जाएगा देखो 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ पी की पावर 7/2 एंड अप टू सो ऑन। इस पूरे पार्ट में ध्यान देखो, रूट पाई सब में होगा, 1/2 है, पी की पावर 3/2 है, पूरे से बोलो कितना कॉमन आएगा, पूरे से कॉमन आएगा देखो इसका मान रूट पाई रख लेना, पूरे से कॉमन आएगा रूट पाई अपॉन 2, नीचे ही या 2 भी लिख लो, पी की पावर 3/2 पूरे से कॉमन कर लो, ठीक है। तो जो यहाँ बचा उसको लिखो, यहाँ बचा 1, अब ज़रा यहाँ गौर करो, रूट पाई कॉमन था, ठीक है, 3 2 2 कट गया, एक जब 2 2 जहाँ बाहर आ गया, बाहर आ गया बचा कितना 4, तो ये बचेगा 1/4 p बच गया, बोलो ठीक है भाई, क्योंकि पी पर 3/2 तो कॉमन ही कर चुके हो ना, इतना बच गया प्लस 1/, यहाँ देखो कितना बचा 1/2 लिख लो, ये बचेगा 1/4 p का होल स्क्वायर बच जाएगा ना प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा बस आंसर हो गया रूट पाई अपॉन 2p की पावर आ गया 3/2। अच्छा देखो e की पावर ये बना -1/4 p, क्यों बन गया, e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अगला आएगा -x³ / 3, ये हमारा इसका आंसर हो गया, क्लियर। तो ये बात समझा गई सबको, तो ये तुम्हारा एक जो हमने कहा ना सबसे पहले बेसिक जो तुम्हारा था कि फॉर्मूले कैसे आपको यूज़ करने हैं, वो इस तरह से करने हैं आपको। एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं, तो आपको इसमें इतना बेसिक वाला पार्ट हो जाएगा, फिर इसकी थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चन तुमको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। इतना जरा देखें सब, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, एक बार देख लेते हैं किस तरह कराएगा, देखो एग्जाम्पल 4 इसका, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 ये था कि आपको FT दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, FT इक्वल टू दिया गया था, लिखा था 0 when t इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, t when t ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ठीक है, और यहाँ लिखा था 0 when t इज ग्रेटर देन 2, कहा गया क्वेश्चन में फाइंड LFT, क्लियर, बोला गया आपको फाइंड LFT, आप LFT की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो कोई एक बात समझा, ये जो पूरा पार्ट लिखा क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सी बात थी कि ध्यान देना, ये पूरा इंटीग्रल अपने को ब्रेक किया 0 से 1 1 से 2 और ग्रेटर देन 2, 0 से 1 1 से 2 और 2 से ग्रेटर का मतलब इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी कुछ हम लिखते हैं तो एक चीज़ हमेशा देखते हैं कि हमारे पास लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन सोल्यूशन फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला हमने लिखा था LFT की वैल्यू थी 0 से इन्फिनिटी e की पावर -pt f(t)dt। अब आप खुद सोचो कि 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक किया 3 पार्ट में, 0 से 1 1 से 2 और 2 to infinity, तो क्या करो आप देखो, इसमें सबसे पहला काम ये करना है अपने को, अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो 0 से 1, अब देखो 0 से 1 पर फंक्शन का मान कितना था 0, 1 से 2 पर कितना था t और 2 से infinity पर 0, तो सिर्फ एक वैल्यू लिखते हैं 1 से 2 के लिए कितना आएगा, ठीक है, देखिए LFT कितना बना, LFT इक्वल टू लिख लिया हमने लिमिट सिंपल, अब इसको नहीं लिख रहे हैं 0 से 1 को, हम 1 से 2 लिख ले रहे हैं, लिमिट इज 1 to 2 e की पावर -pt और ft की वैल्यू क्या थी t dt, बोलो क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, बाई पार्ट्स करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का तरीका हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, और ज़रा देखो ध्यान से किस तरह करते हैं, एक तो वही तरीका था जो आप नॉर्मल करते हो, एक तरीका बड़ा ईजी सा है, इसमें देखो ऐसा कोई जो फंक्शन दिया हो जिसका कि डिफरेंशियल करने पर वैल्यू खत्म हो जा रही हो, तो उसका बाई पार्ट्स इस तरह कर लिया करो, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा e की पावर -pt / -p, इसका डिफरेंशिएशन अभी होगा नहीं, पहली बार ऐसे रखा जाएगा, दोबारा इसका फिर से इंटीग्रेशन करें e की पावर -pt / p², इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, क्लियर। अब एक बात खुद सोचो, आप नॉर्मल भी करते हो, हमने एक बार फिर बता दें आपको, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिसका डिफरेंशियल करना उसको ऐसे ही रखते हैं, फिर इधर लगातार इंटीग्रेशन होते हैं, उधर डिफरेंशियल, जब तक कि डिफरेंशियल खत्म ना हो जाए आगे, मान लो इसमें टी स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ पर 2t आता, फिर 2 आ जाता है ना, इस तरह से। खैर चलो आगे नहीं कर सकते, इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस माइनस करके, हमेशा प्लस माइनस ऑल्टरनेट लेते हैं, ठीक। तो देखो कितना आया, ध्यान दो, अब LFT हमारा कितना बन गया, यहाँ से ध्यान देना,
ये बन गया माइनस टी अपॉन पी ई की पावर माइनस पी टी माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी टी, और लिमिट हमने लगा दिया यहाँ पर वन से टू। बोलो भाई ठीक है, अब बस एक बार टू लिमिट रख लो, एक बार वन रख लो, आंसर लिख लो। चलो पहले टू रखो आप, तो ये आएगा माइनस टू अपॉन पी ई की पावर माइनस टू पी माइनस वन बाई पी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू पी, इतना रख लिया। फिर माइनस लिख लिया आपने, माइनस क्या वन रख लो, तो वन जब रखो टी की जगह पर तो आएगा माइनस वन अपॉन पी ई की पावर, फिर यहाँ भी टी रखा तो माइनस पी आ गया, और इसका आ गया माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर और ई की पावर माइनस पी आ गया। बस हमारा एक्चुअली आंसर यही बन गया। अगर आप चाहो थोड़ा सा आप कर सकते हो कि ई की पावर जो तुम्हारे पास माइनस पी कर कॉमन करना चाहो कर लो, एक की पावर माइनस टू पी भी कॉमन कर लो, तो करना चाहो तो कर सकते हो आप। लिख दो माइनस टू अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू पी, और देखो यहाँ दोनों ही प्लस में आ जाएंगे सॉल्व करोगे जब आप, तो ये प्लस माइनस कॉमन कर लो इससे ना, तो वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी, बस ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये हमारे पास सोल्यूशन इस तरह से बन जाएंगे। एक तरीका हमने ये भी क्वेश्चन बताया आपको करके बस। तो मैक्सिमम आप ध्यान रखना, जो एक्सरसाइज वन दी है बुक में आपको, जहाँ पर भी दिया गया वहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करोगे। आगे जो नेक्स्ट आपको बताएंगे इस पर जितनी थ्योरम्स दी हैं उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे। तो इतना आप कंप्लीट करना, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके।